बिल्कुल देखिए शुभांगी, मैं अभी कवर्धा विधानसभा में हूँ, जहाँ पे सीधी लड़ाई जो है कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी है और हमारे साथ जो अभिषेक सिंह जी है, कुछ देर पहले उन्होंने मतदान किया है। अभिषेक सिंह जी, आप मतदान करने पहुंचे थे, माहौल क्या नजर आ रहा है? पूरे कवर्धा जिले में, कवर्धा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक अद्भुत करंट है। जिस तरीके का बर्ताव पिछले 5 साल में कवर्धा की जनता के साथ किया है, आज मतदान उसके विरोध में है और भारतीय जनता पार्टी और विजय शर्मा जी एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। सर, इससे पहले कि हमने देखा कि 15 साल बीजेपी की सरकार रही, आपके फादर और आप भी जो है सांसद रहे, डॉक्टर साहब जो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन 2018 में क्या माहौल था कि 60,000 वोटों से आप हार गए, बीजेपी हार गई? देखिए, 2018 का चुनाव एक अलग चुनाव था, उसमें किसानों के मुद्दे पर एक परिवर्तन की लहर चली थी, लेकिन इस बार कांग्रेस की सरकार की सच्चाई जनता के सामने आ चुकी है। जो झूठे वादे उन्होंने 2018 में किए थे, आज उन वादों का हिसाब लेने का समय आ गया है और कवर्धा में तो जो बर्ताव उन्होंने किया है कवर्धा की आम जनता के साथ, उसका हिसाब लेने का। कवर्धा का स्पेसिफिक मुद्दा क्या था जिसको लेकर आप लोग पूरे 1.5 से 2 साल नजर आए कि आप लोग सड़क पर नजर आए? कवर्धा में जिस तरीके से प्रशासनिक गुंडागर्दी की गई, आम जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की हर संभव कोशिश की गई, उसके विरोध में कवर्धा का जनमानस आज तैयार है, उठ खड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। जी, आप कितनी सीटें देख रहे हैं अभी? जो है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और भूपेश बघेल जो सीएम, ट्विटर वार हो रहा है दोनों के बीच, एक कह रहे हैं कि आपकी 15 सीट आएगी, एक कह रहे हैं कोई भी सीट नहीं आएगी, क्या कहेंगे? अब जो सीटें आएंगी वो तो 3 तारीख को पता चलेंगी, लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस की हालत खराब है। जी, तो आपने सुना, सांसद, पूर्व सांसद हैं अभिषेक सिंह और रमन सिंह के बेटे हैं, जिनका कहना है कि यहाँ पर और पूरे छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत हो रही है। अब देखना होगा कि किस तरीके से जब 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे तो किसकी जीत और किसकी हार हो रही है। कैमरामैन संजीव शुक्ला के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 कवर्धा।